नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में छक्का लगाना पहले जो है ना बहुत बड़ी बात होती थी, अब बड़ी बात नहीं है क्योंकि T20 क्रिकेट जब से आया है लोगों को, मतलब खिलाड़ियों को जो है छक्के लगाने की आदत हो गई। अब टेस्ट क्रिकेट ना टेस्ट क्रिकेट की क्रिकेट की तरह खेला नहीं जाता, दरअसल में चौके छक्के लगातार लगते रहते हैं, बाउंड्रीज आती रहती हैं और कई खिलाड़ियों को हमने देखा है कि वो तेज तर्रार उन्होंने पारियां खेली है परिस्थिति के अनुकूल। ऐसा नहीं है कि पुजारे जैसे बल्लेबाजों का इस समय वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, लेकिन T20 क्रिकेट आने की वजह से जो है ना खिलाड़ियों में वो बाउंड्रीज लगाने की चाहत बढ़ती जा रही है। इसी वजह से जो कल ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर हम लोगों ने देखा वो दरअसल में टेस्ट क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का ही कुछ मिश्रण टाइप का था। दरअसल में 299 रन का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने आसानी से मुकाबला जीत गया। जॉनी बेयरस्टो ने मैच एकतरफा कर दिया बेन स्टोक्स के साथ मिलकर। बेयरस्टो ने 77 गेंदों पर शतकीय पारी खेली, 92 गेंदों पर 136 रन, 147 का स्ट्राइक रेट, और बेन स्टोक्स जो है उन्होंने 70 गेंदों में 75 रन की पारी खेली, 4 छक्के भी जो है बेन स्टोक्स ने लगाए। इस मैच में इतिहास तो खूब रचे गए, लेकिन बेन स्टोक्स भी एक ऐसे कारनामे करने की दहलीज पर आ चुके हैं जो कि हर क्रिकेटर का सपना होता है, मोस्टली सपना ही होता है, टेस्ट क्रिकेट का असली सिक्सर किंग बनने के काफी दहलीज पर है बेन स्टोक्स। 99 छक्के अब तक लगा चुके हैं, जी हाँ, 99 छक्के अब तक जो है बेन स्टोक्स लगा चुके हैं और 107 छक्का जो है वो टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट है। किसने लगाया है? तो ब्रेंडन मैकलम, जो कि इस समय इंग्लैंड टीम के कोच भी हैं। ब्रेंडन मैकलम ने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के लगाए और 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो एडम गिलक्रिस्ट के नाम था। एडम गिलक्रिस्ट दरअसल में सबसे पहले 100 छक्के लगाने वाले टेस्ट क्रिकेट में पहले बल्लेबाज भी बने, लेकिन अब बेन स्टोक्स इन सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने वाले हैं। बेन स्टोक्स फिलहाल तो संन्यास लेने वाले हैं नहीं, 99 छक्के इनके हो चुके हैं और चौथे नंबर पे आपके हैं क्रिस गेल जिन्होंने 98 छक्के लगाए थे। पांचवें नंबर पे हैं जैक स्कैलिस जिन्होंने 97 छक्के लगाए थे। तो देखने वाली बात यह होगी कि कब बेन स्टोक्स जो है अपने कोच के इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।